आज हम सीखेंगे संक्रिया सारणी बनाना। क्या सीखेंगे? संक्रिया। वो जी तो बहुत सरल चीज है पर लोगों को आती नहीं है। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय है 1 2 3 4 5। अगर सीजल अपन ये माने कि ये समुच्चय ए है 1 2 3 4 5, तो इससे बहुत सारी संक्रियाएं बन सकती हैं, क्योंकि संक्रियाएं बनती हैं ए क्रॉस ए टू ए, 25 कितनी बार रहेंगी? 5 बार। आपको अभी बताया था मैंने करके, ठीक है। तो ये अगर अपन इसका ए क्रॉस ए बनाए, तीरारे के रूप में भी अपन बना सकते, ठीक है, पर अपन वैसे नहीं बनाएंगे। अपन सीख रहे हैं क्या? संक्रिया सारणी बनाना। तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। देखिए ये बेटा, ये चिन्ह जो होता है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए बी निम्नतम ए बी, इसको क्या पढ़ते हैं? मतलब ए और बी में से जो कम होगा वो आंसर आएगा। जैसे मैंने आपको चाइना पाकिस्तान वाला बताया था, वो उच्चतम था, उसको वी से दर्शाते, वी फॉर विक्ट्री। अब अच्छे नंबर आ जाते वन वी फॉर विक्ट्री दर्शाते नहीं दर्शाते, लेकिन हमने उन्हें तमाम तो नमूने से लटक जाते हैं। तो प्लीज़ को ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में क्रम विनिमय की परिभाषा समझाने के लिए उदाहरण 33 समझाया गया है। क्रम विनिमय की परिभाषा के लिए वो जितने भी उदाहरण दिया, बोला इतने बड़े बड़े हम कैसे करेंगे, वो नहीं है, वो हर चीज़ को समझाने के लिए दिए गए हैं आपकी NCERT बुक में, ठीक है। आप बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएंगे, अरे यार ये तरी खतरनाक सर ने ये तो बताया नहीं है, आप ध्यान से किताब पढ़ते नहीं तो आपको पता नहीं है क्या क्या चीज़ें हैं, आप बस आ जाते हैं। तो ये संक्रिया यहाँ लिखी जाती है। अब समुच्चय में कितने आए हुए हैं? 5। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ भी लिखा जाएगा 1 2 3 4 और 5। और वर्तिका बेटे यहाँ पर ए क्रॉस ए वन बना सकते हैं, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे ए क्रॉस ही नहीं बना, अपन को इस संख्या का रिजल्ट लिखना है। ये क्या कहलाती है? ए और बी में निम्नतम। तो यहाँ से स्टार्ट कर, एक और एक में निम्नतम क्या है? 1। इसको अपन ब्लू पेन से भरें ताकि आपको क्लियरिटी दिखे, ठीक है। हाँ बेटा, एक और एक में निम्नतम क्या है? 1। एक और दो में निम्नतम क्या है? 1। और तीन में निम्नतम? तो इस पूरी सारणी में 1। यहाँ देखिए, 1 और 2 में निम्नतम क्या है? आप लोग शायद कन्फ्यूज तो नहीं हो। 1 2 और 2 में निम्नतम क्या है? 2 ही लिख देंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। 2 और 3 में निम्नतम क्या है? 2। समझ आया? 1 और 3 में निम्नतम क्या है? 1। 2 और 3 में? 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3
एक 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 दो 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 तीन 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 चार चार पांच ले हो गया। पेपर में इसकी जगह मान लो ये आ गया तो बड़े वाले तो इसमें इसमें तो एक आएगा लेकिन फिर इसमें क्या आएगा दो आएगा। समझ में आया? तो मैं चाहूंगा कि इस सवाल के बाद आप एक मंद सवाल बनाए जिसमें आप क्या लिखें ए ए और बी में उच्चतम ए बी द्वारा परिभाषित, ये निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित और ये उच्चतम ए बी, और एक सवाल ताकि आपको याद रहे क्योंकि आप बुक तो पढ़ते नहीं ध्यान से, है ना। चलिए बना लीजिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बहुत सारी थ्योरी के साथ साथ रोहित आपको एक सारणी दी गई है। ये समुच्चय 1 2 3 4 5 जैसे पिछली बार बनाया था, एक नई संक्रिया है जो वो नहीं है आपकी न्यूनतम वाली स्टार कोई संक्रिया और उसकी सारणी आपको दी गई है और आपसे कुछ मान पूछे गए हैं। तो जो पहला मान है उस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए पहला मान आपसे पूछा गया है 2 * 3 * 4। देखिए पहला को देखना है 2, क्या देखना है? तो देखिए ये जो होता है आपके डिसाइड करने पे ऊपर होता है कि आप पहला किसको मान रहे हैं, ए किसको मान रहे हैं, बी किसको। तो अपन मान रहे हैं ए इसको रोहित और बी इसको, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, ठीक है बेटा। तो ए ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है। 2 और 3 का क्या आ रहा देखिए जरा, 1। नहीं आया समझ में? तो ये आ गया आपका 1 * 4, 2 और 3 का 1, समझ में आया। अब 1 * 4 एक बी यहाँ पे 4, 1 और 4 का कितना आ रहा है 1, आंसर मिला लीजिए। समझ आया? तो बस समझाने की देर है, किसकी देर है समझाने, फिर सब बनेगा। दूसरा रोहित क्या यह क्रम विनिमय है, क्या ये क्या है क्रम विनिमय के लिए ध्यान देना पड़ेगा रोहित, नहीं दे रहे। देखिए
क्रम को पार पार के देखें, देखिए एक दो देखिए कितना है, एक है, और दो एक कितना है, एक है, एक तीन देखिए कितना है, एक, और तीन एक देखिए कितना है, एक, नहीं आया समझ, नहीं आया, तो ऐसे तो पागल हो जाओगे, ऐसे देखते, एक 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 एक, ये हो गई लाइन, दो एक दो एक, दो एक दो एक, तीन एक एक तीन एक एक, चार एक चार, समझ में आया। और इनमें से अगर एक भी कवर तो मिल गया, समझ लो वही तुम्हारा क्रम फेल करेगा, वही तुम्हारा क्या फेल करेगा, क्रम। तो ये तरीका समझ में आया बेटा, ये तरीके ये सब बुक्स में नहीं थे, बुक में सीधा लिखा है, स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थिति में, स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थिति में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, अतः दी गई संक्रिया क्रम में नहीं, इतना कहने से क्या होता है। तो जो तरीका बताया वो समझ में आया बेटा कि नहीं आया। अगर आप देख रहे हैं तो भैया ये जो प्रश्नावली है, ये जो चैप्टर, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बच्चों को उतना तरीका बताया कि बच्चों को अच्छा लगे, समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति, टू स्टार थ्री, टू स्टार थ्री स्टार फाइव, और इसका हमें करना है परिकलन। तो पहले टू स्टार थ्री, टू थ्री कितना आ रहा है, वन स्टार फोर स्टार फाइव, फोर फाइव वन, वन स्टार वन, वन वन का वन, नहीं आया समझ में, सारे क्वेश्चन हो गए, कितना इजी है, नहीं इजी वो बेटा। अगला कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे लिए पता होना चाहिए ये दो चीज़ें, एलसीएम एससीएम। पता हो कर भी आपको ये पता नहीं है, अब आप जा रहे हो ट्वेल्थ से, अच्छा नहीं लगता बेइज्जती, कल टॉपर से पूछे तो वो गलत बोल रहे थे, समापवर्तक समापवर्तक, तो आप अच्छे से समझ लो ज़िंदगी में। देखो जब आप 12 में 3 का भाग देते हैं कितना आता है, 4, तो ये जो 3 है इसको बोलते हैं भाजक, क्योंकि ये भाग कर रहा है, भाग करने वाला, और ये भाज, भाग करने योग्य, भाग करने वो बड़ी चीज़ के अपन भाग करते, कितने भाग किए अपन ने, 3, तो हर भाग की लंबाई कितनी हुई, 4, इसको बोलते हैं भाग फल, जो भाग करने के बाद हमें मिलेगा। तो एक अपने पास बहुत लंबी कोई चीज़ थी, जैसे मान लीजिए कोई टॉफ़ी थी जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर थी, अपन ने 3 भाग किए, तो 3 भाग मतलब क्या है, भाजक है, और इसे अपन वो भाग करने के बाद जो फल मिला, वो प्रत्येक फल कितना लंबा हुआ, 4, समझ में आया। छोटे बच्चों फर्स्ट सेकेंड क्लास वालों को बताया था, नाम समझ में आया बेटा। अब देखो 12, 24 और 18 ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को विभाजित करे, क्या करे, विभाजित। हम ढूंढ रहे हैं भाजक, क्या ढूंढ रहे हैं बताइए, दो करती है बिल्कुल, दो ही छिंग 12, दो दो ही कम दो, दो दूनी 4, दो ही नाम 18, और कोई है बता दिए, 3 बिल्कुल सही जवाब, आराम से 3 बिल्कुल, और बताइए, 6, 12/6, 24/6, 18/6, बताइए और कोई। तो ये सब क्या है, भाजक, 2 भी भाजक है, 3 भी भाजक है, और 6 भी भाजक, इनमें जो सबसे बड़ा भाजक है, सबसे बड़ा वो कहलाता है महत्तम समापवर्तक, क्या बोले बताना जरा, महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा भाजक, महत्तम समापवर्तक, भाजक वर्तक, भाजक वर्तक। आशा करते हैं आगे जाके आप हमारी बेइज्जती नहीं कराएंगे, वो तो आप भूल जाएंगे, पर मैंने आपको 2 साल ऐसे ऐसे ही पढ़ा है तभी तो आप बैठे हैं यहाँ पे। भाजक वर्तक, महत्तम समापवर्तक नहीं होता, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा भाजक, लेकिन ये संख्याओं से तो कम ही रहेगा, संख्याओं से तो कम ही रहे। अगर आपको पता करना है कि ये कैसे निकालते हैं, तो आपको ये बनना चाहिए, 12, 2 × 4 = 12, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 24, 2 × 4 = 8 = 24, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 18, 2 × 4 = 2, 3 की घात 2, ये गुणनखंड कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। और फिर एससीएफ निकालने के लिए जो कॉमन गुणनखंड होता है, क्या होता है बेटा, जो कॉमन गुणनखंड होता है वो अपन लिख लेते हैं, 2 और 3, और उन गुणनखंडों की सबसे छोटी घातें, सबसे छोटी, नहीं आ रही बात समझ में, तो
दो की सब्सिडी कहाँ थे एक, और तीन की सब्सिडी कहाँ थे एक, तो दो तीन छः, ये हमारा आंसर है। नहीं आया समझ में? इसको बोलते LCM, सॉरी SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसमें हम भाजक ढूंढते हैं जो सबको क्या कर दे, विभाजित, भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या विभाजित करती है वो कहलाती है भाजक। समझ में आया? बहरहाल रोहित अपन को इतना कठिन नहीं पड़ेगा, बिकॉज अपन को दो ही संख्या रहेंगे, अपन दो ही आधारित संख्या पड़ रहा है ना, तो तीन वाला अपन को नहीं निकालना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपन अगली चीज पर। यहाँ पे मैं आपके सामने दो संख्याएं लिख रहा हूँ। कितनी संख्याएं लिख रहा हूँ? दो संख्याएं लिख रहा हूँ, गौर जरूर कीजिएगा, रोना जरूर करिएगा। 12, 18। अब हम भाजक नहीं, अब हम भाज्य ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? चलिए, अगर भाग देने में कठिनाई होती तो मैं सरल कर देते, 6 और 9। तो ऐसी संख्या बताइए जो 6 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी। हम बताएं, 120, 180, 180 6 से विभाजित हो जाती है और 9 से भी। कर लीजिए 30, 20। और कोई ऐसे और कितनी सारी होंगी, ऐसे तो कितनी सारी होंगी, एक आध और आप बताइए कोई। 36, 36, 6 छंग 36, 9 चौके 36। और कोई रोहित? 36 से भी कम, 18, बहुत बढ़िया, 18, 6 3 18, 9 2 18, ये अभाज्य, मतलब ये दोनों आपस में कोई कोण था नहीं, ये 18 जो सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य भाज्य, वर्त्य भाज्य, यहाँ भी यहाँ। तो आशा करता हूँ आप वर्ता को वर्त में आज की बात शायद आप इज्जती होती, इंसल्ट होती है, समझ में आया बेटा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM निकालने का मतलब ये होता है कि आप दोनों में देख लेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। सबको समझ में आया? तो ऐसे अपन को किसका निकालना, 6 और 9 का। तो अपन 6 गुणन खंड लिखते हैं, 6 2 3 6, 2 की घात 1, 3 की घात 1, और 9 3 की घात 2। इसमें अपन कॉमन वाले नहीं लिखते, इसमें अपन सब लिखते हैं जितने हैं, 2 भी लिखते हैं और 3 भी, और इनकी हाईएस्ट घात, 2 की हाईएस्ट घात है 1 और 3 की हाईएस्ट घात है 2, 3 3 का 9 9 2 18 18 आपका आंसर। समझ में आया? बहुत ही दुख हुआ कि आप जैसे लोगों को पढ़ाना पड़ा। समझ में आया? अगर उनके गुणनखंड नहीं टूट रहे हैं, अगर गुणनखंड नहीं टूट, जैसे कि रोहित 6 और 9 की जगह 6 और 7, 6 और 7, तो इनका जो SCF है वो 1 रहेगा, बिकॉज 1 ही संख्या है इसका जो दोनों को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। SCF छोटा होता है, नाम महत्तम होता है, पर संख्या में छोटा आता संख्या से। और अगर हम बात करें LCM की, तो 6 7 42, सीधा गुणा कर दीजिए, और कोई अपने पास उपाय नहीं। समझ में आया बेटा? तो ये सवाल कब पढ़ लेना था, कब पढ़ते रोहित? 5वीं में, पता नहीं मुझे, अभी तो समझ में आ गया बेटा कि नहीं आ गया? तो ये बिल्कुल बता दिया, समझ गया? कम से कम वर्ता को वर्त में तो नहीं करोगे। SCF माने भाजक, सबसे बड़ा भाजक, महत्तम समाप वर्तक, वो भाजक सबसे बड़ा है, लेकिन भाजक भाज्य छोटा रहेगा, ऐसी संख्याओं से क्या रहता है, छोटा। जैसे 6 और 7 का SCF 1 का है, एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। इतनी सारी मेहनत के बाद हम अब सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, समुच्चय n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक द्विआधारी संख्या ऐसी है ए स्टार बी बराबर ए और बी का LCM। और हमें पहला जो सवाल है इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है हमें 5 स्टार 7, क्या निकालना है, 5 स्टार 7, मतलब 5 व 7 का LCM। चूंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं, इसलिए मैंने क्या सिखाया था, चल दोनों को क्या कर देना गुणा, कितना आ जाएगा बेटा, 35। बाद में भूल तो नहीं जाओगे? तो 35 वो भाज्य है जो दोनों से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी और 7। नेक्स्ट सवाल में आएगा थोड़ा मजा, उसमें क्या क्या है, 20 और 16। तो पहले 20 के गुणनखंड, 2 दूनी 4 5 20, 16 के 2 दूनी 8 दूनी 2 की घात 2 5 की घात 1 2 की घात 4। मैंने बताया था कि LCM में क्या करते हैं, वांसी बताओ जरा, सब संख्याएं लिखते हैं जितनी संख्याएं कॉमन वाली, सब 2 भी लिखेंगे और 5, और घात कौन सी लगाते रोहित, सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात है और 4 की, तो कौन सी लगाएंगे, 4। 5 पे 1 ही है बस, नहीं आ रहा समझ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। अगर आपको LCM निकालना नहीं आता तो मेरी 10th क्लास का वीडियो देखिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें है LCM SCF। नहीं आया समझ में रोहे? तो ये आ गया बेटा 20 स्टार 16 का मान 80। तो ये थोड़ा कठिन लग गया होगा, लग गया कठिन,
नॉर्मली आपको गुणा वाला ही आएगा, एक वाला ही आएगा, सबको समझ में आया। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या यह क्रम विनिमय है, क्या यह क्या है, तो बड्डे क्रम विनिमय कैसे नहीं होगा रोहित, चाहे 20 और 16 का एलसीएम निकालो, चाहे 16 और 20, ये कोई बात नहीं होती। तो अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहें तो आप एक बार 16 और 20 का निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए तो आप लिखिए। तीसरे पॉइंट में, हम जानते हैं कि ए व बी का एलसीएम निकालो चाहे बी व ए का, ये कोई बात थोड़ी है, आपको संख्या बतानी है जो 5 और 7 से विभाजित दो 35 और 7 और 5 से वो भी 35, यार ये क्या बात हुई। तो ए व बी का एलसीएम बराबर बी और ए का एलसीएम, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और ये एलसीएम में भी बात सही है, आप तो दो संख्या ले रहे हो आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता है, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः दी गई संख्या क्रम विनिमय है। ध्यान दीजिए, सहचर्य के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए आपको समझना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ध्यान देना सहचर्य, ए व बी का एलसीएम स्टार सी मतलब ए बी सी का एलसीएम, तीन संख्याएं, पहले कौन सी ले रहा है बाद में कौन सी ले रहा है बाद वही है, फिर अगला ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी की जगह क्या लिखेंगे सीजल, ए स्टार बी व सी का एलसीएम, और फिर मतलब ए बी सी का, अगर आप कहो देखिए स्टेप बढ़ा दें, ए व बी व सी का एलसीएम कॉमन ना लगाएं, बता दो आप मुझे ना सर, यहाँ आपने स्टार का मतलब ए व बी का लिखा और आपने यहाँ कॉमा लगा दिया, तीन दिन अच्छा ही लगता ना, ए व बी व सी का एलसीएम, तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, तो स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, अतः दी गई संख्या का नाम सहचर्य नियम का पालन या सहचर्य है। लास्ट क्या है रोहित, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, तत्समक अवयव क्या, हाँ क्या पता सर, बच्चों अगला चौथा पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, बहुत दुख हुआ, हमें निकालना है तत्समक अवयव, क्या निकालना है, तो माना संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई है, क्या है, अगर ई तत्समक अवयव है तो ए व ई का ए स्टार ई, ए स्टार ई बराबर क्या आएगा, तत्समक अवयव क्या होता है, एक क्यों आएगा बोलना पड़ेगा यार, हाँ ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई क्या आएगा सोचना पड़ेगा आपको, फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा, तत्समक अवयव माने समझते हो क्या होता है, तत्समक मतलब, अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी मेरी गलती है, सॉरी मेरी गलती, ए स्टार ई बराबर क्या आएगा, ए आएगा, मतलब ऐसी संख्या जिसका लघुत्तम लो तो वही का वही आ जाए, तो ए व ई का एलसीएम बराबर क्या, ए, और ये तभी संभव है जब जब ई इज इक्वल टू क्या हो जाए 1, हम सीधा गुणा करते हैं, तो अतः रोहित ई बराबर क्या आ गया बेटा 1, अगर आप 4 और 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 एकम 4, जैसे अपन ने यहाँ 7-5 का गुणा किया, तो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए 4 व 1 का एलसीएम 4, 5 व 1 का एलसीएम 5, 10 व, इसलिए ई बराबर 1, ऐसी संक्रिया अवयव ढूंढना था जिसका वही का वही आ जाए, तो वही क्या था समक अवयव, समझ में आया, याद नहीं था समक पढ़ाया था ना हमने, चलिए लिख लीजिए, हाँ अच्छा, एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं, चलो ये करो फिर पता, दोस्तों आखिरी चीज और देख ली, जब भी तत्समक अवयव से निकलवाएंगे तो व्युत्क्रम, आप बताइए 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2 बोल रहे, क्योंकि आप हमेशा काय के लिए बोलते हैं गुणन संक्रिया, तो एक उसके तत्समक अवयव होता है, तो अभी अब ए इज इक्वल टू ए इज द एलिमेंट ऑफ एन संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय होगा, यदि एक अवयव बी ऐसा हो कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर क्या आ जाए ई, या कि ई यहां इस संक्रिया के लिए क्या है 1, बताइए किस किस का लघुत्तम 1 आता है, यह तभी संभव
है जब ए बराबर एक और बी, इसके अलावा फिर कभी एक आएगा ही नहीं। तो एक और एक के लिए क्या रहेगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अवयव है ए बराबर एक, लिखा ना किस अवयव के लिए व्युत्क्रमणीय होगा, तो केवल एक के लिए क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। चलिए संधि अष्टक के लिए ए बराबर एक व्युत्क्रमणीय है, समझ गए।